नमस्कार, इलेक्शन डीएनए में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं सुषमा। वोटिंग हो चुकी है, अब बारी है नतीजों की। एग्जिट पोल आ चुका है, लेकिन 23 मई को ही असल तस्वीर सामने आएगी। हालांकि इस चुनाव में सभी दलों ने एक दूसरे के खिलाफ तमाम हथियार खोल दिए। साम दाम दंड भेद की नीति यहां पर अपनाई गई और मकसद सिर्फ एक रहा, चुनाव जीतना, सत्ता में आना। और चुनावी तपिश से जुड़े हर एक पहलू से हम आपको लगातार रूबरू करवाते आ रहे हैं, लेकिन अब जब एग्जिट पोल आया है तो क्या तस्वीर सामने आती है, इस पर आज हम करेंगे विश्लेषण। तो राजस्थान की 25 सीटें बहुत खास हो जाती हैं। हालांकि अगर ओवरऑल पूरे देश की हम बात करें तो एग्जिट पोल ये कहता है कि मोदी सरकार फिर से आ रही है, आएगा तो मोदी की जो बात कही जा रही थी वो यहां पर दिखाई देती है। लेकिन अगर हम राजस्थान की बात करें तो 25 सीटों को लेकर के तमाम एग्जिट पोल क्या कहते हैं, एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं और शुरुआत करते हैं इंडिया टुडे के साथ। तो अगर हम राजस्थान में 25 सीटों को लेकर इंडिया टुडे की बात करें तो इंडिया टुडे यहां पर कहता है कि बीजेपी प्लस को 23 से 25 सीटें मिल रही। कांग्रेस की बात करें तो 2 सीटें ही केवल कांग्रेस के खाते में इस एग्जिट पोल के जरिए जाती दिखाई देती हैं। तो ये आप तस्वीर देखिए कि अमूमन अगर बाकी तस्वीरों को देखें तो लगभग ये दिखाई देता है कि कांग्रेस के हाथ में ज्यादा कुछ है नहीं। अगला एग्जिट पोल भी आपको दिखा देते हैं राजस्थान के लिए, News 24 और चाणक्य का एग्जिट पोल क्या कहता है वो आपको बताते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि अगर बीजेपी की सीटों को हम देखें तो 25 की 25 सीटें चाणक्य ने एक तरफा सीटें दे दी हैं बीजेपी को। यहां पर कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल रहा है इस एग्जिट पोल के जरिए, यानी कि वो 2014 की जो स्थिति थी वो यहां पर दिखाई दे रही। हालांकि यहां पर फर्क इतना है कि 24 सीटों पर बीजेपी और एक सीट पर उसके सहयोगी आरएलपी जीत दर्ज करेंगे इस एग्जिट पोल को, अगर हम रिजल्ट्स में कन्वर्ट कर दें, अगर ये हो जाता है तो। अब अगले एग्जिट पोल की बात करते हैं, बीपी नीलसन के एग्जिट पोल की हम बात करते हैं। हाँ, यहां पर इस एग्जिट पोल को अगर हम देखें, इसकी तस्वीर को देखें तो यहां पर राहत है कांग्रेस के लिए। बीजेपी प्लस को 19 सीटें मिलती दिखाई देती है और कांग्रेस को महज 6 सीटें। अब सवाल यह है कि जो पहले से आंकड़ेबाजी की जा रही थी, जो कयास लगाए जा रहे थे और ये कहा भी जा रहा था कि 5 से 6 सीटें कांग्रेस के खाते में आ सकती हैं, तो क्या ये एग्जिट पोल अगर हकीकत में आता है, रिजल्ट में तब्दील होता है तो कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी जीत होगी, क्योंकि बाकी एग्जिट पोल ऐसे संकेत नहीं देते। लेकिन इस एग्जिट पोल से मिलता जुलता अगला एग्जिट पोल है इंडिया टीवी का, जो ये कहता है कि बीजेपी प्लस को 21 सीटें मिलेंगी और कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाएगी। लेकिन एक खास बात देखिए कि इस बार अदर्स के खाते में कोई सीट नहीं है, बीएसपी का खाता खुलता दिखाई नहीं देता, किसी भी एग्जिट पोल को देखिए। और इस बार ट्राइबल पार्टी भी है बांसवाड़ा डूंगरपुर में, यानी कि वागड़ में, उसके लिए भी ये कहा जा रहा था कि काफी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में है, पोजीशन में है, विधानसभा चुनाव में 2 सीटें भी जीती थी। लेकिन उसको लेकर भी अब ये कहा जा सकता है कि अगर सभी एग्जिट पोल को हम देखें, ऑन एवरेज निकालें, तो अदर्स के लिए कुछ दिखाई नहीं देता है। एनडीटीवी, जिसका जिक्र अक्सर हुआ कांग्रेसी नेताओं की जुबान से जब सभा को संबोधित करते थे, तो वो क्या कहता है राजस्थान के लिए, तस्वीर देखिए। बीजेपी प्लस को यहां पर 22 सीटें दी जा रही हैं इसके एग्जिट पोल के जरिए, सर्वे के जरिए। कांग्रेस के खाते में महज 3 सीटें दिखाई दे रही हैं। अब सवाल ये कि 3, 4 और 6, अब तक हमने जितने एग्जिट पोल देखे उसमें से एक एग्जिट पोल कहता कि 3 सीटें एनडीटीवी का। उसके पहले हमने जो एक और एग्जिट पोल आपको दिखाया था वो ये कहता है एनडीटीवी का कि 4 सीटें मिल जाएंगी। एबीपी वाला एग्जिट पोल कहता है कि कांग्रेस को 6 सीटें मिल जाएंगी। लेकिन सवाल यही है कि अगर एवरेज निकाल भी लें तो यहां पर कांग्रेस के खाते में ऐसा बहुत इजाफा दिखाई नहीं देता। हाँ, बीजेपी खुश भले हो, लेकिन बीजेपी के लिए लॉस यहां पर है। 25 की 25 सीटें सिर्फ एक एग्जिट पोल में दी गई है, दूसरे में भी 23 से 25 कहा गया है और चाणक्य ने एक तरफा 25 सीटें दे दी है। इंतजार करना होगा, 23 तारीख कोई तस्वीर साफ होगी। लेकिन अगर बीजेपी को 22 सीटें मिलती हैं वाकई में, तो इसका क्या मतलब होगा, जरा वो हम समझाते हैं आपको। एग्जिट पोल के आकलन के बाद इसको लेकर अब चर्चाएं भी हो रही हैं, कांग्रेस खेमे में काफी हलचल देखने को मिल रही है और दबी जुबान से कांग्रेसी एक ही बात कह रहे हैं कि जब दिग्गज ही चुनाव नहीं लड़ेंगे तो यही होगा। जी हाँ, ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के कई कद्दावर चुनावी समर में नहीं उतरे, जबकि प्रत्याशी चयन के वक्त इनके नाम ही टॉप लिस्टेड थे और ये कहा गया था कि जब यहां पर सूची तैयार की जा रही थी कैंडिडेट्स की तो कई सारे लीडर्स बड़े जो कद्दावर चेहरे थे उनका नाम था। लेकिन मंत्री और विधायक बनने के बाद इन्होंने कोई रिस्क लेना उचित नहीं समझा, रिस्क लेना नहीं चाहा और अब
कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं इसको लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन पीसीसी में लगातार बैठक भी हो रही है, मंथन भी किया जा रहा है कि इसका इम्पैक्ट कितना होगा, क्या होगा। और अभी भी कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं है कि एग्जिट पोल सही है। हर नेता की तरफ से कहा जा रहा है कि एग्जिट पोल सही नहीं, नतीजे अलग होंगे। और इसी फहरिस्त में पीसीसी चीफ सचिन पायलट भी आ जाते हैं। सचिन पायलट को पूरा भरोसा है कि जीत कांग्रेस की ही होगी, एग्जिट पोल से सहमत नहीं है वो। आज एक घंटे से अधिक समय तक वो पीसीसी में रहे, कांग्रेस विधायकों और नेताओं से उन्होंने मुलाकात भी की। और सचिन के अगर चेहरे को देखे, उनके बॉडी लैंग्वेज को देखे, तो वहां पर भी वो काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, कोई चिंता उनको दिखाई नहीं देती है। राजस्थान में जीत को लेकर वो बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, हालांकि मीडिया में कोई बात वो नहीं कर रहे हैं, मीडिया वालों से एक डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हैं, लेकिन विधायकों और नेताओं से मंथन भी अब शुरू हो चुका है। इन सब के बीच में अगर हम 25 सीटों की, कुछ खास सीटों की बात करें, कुछ खास दिग्गजों की बात करें कि उनका कद कितना बढ़ेगा या घटेगा, तो उसमें सबसे अहम सीट आ जाती है नागौर की, हनुमान बेनीवाल। यहां से उनके लिए बहुत कुछ निकलने वाला, लिटमस टेस्ट है उनके लिए, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अगर वो जीत जाते हैं तो राज्य में उनकी सियासी शक्ति को परवान मिल जाएगा और ज्यादा उनकी शक्ति में इजाफा हो जाएगा और सामाजिक तौर पर भी उनकी एक विराट शख्सियत उभर कर आएगी। बीजेपी की सियासत में भी उनका दखल बढ़ जाएगा, क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव के बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो उन्होंने बीजेपी से हाथ मिला लिया था, और ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि केंद्र में भी उनकी दावेदारी बढ़ जाए। एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर वो लोकसभा का चुनाव जब लड़ रहे हैं तो किसान जाट और राजनीति को एक केंद्र मानकर उन्होंने भी चुनाव प्रचार किया था, और ये जो केंद्र है यही डिसाइडिंग फैक्टर होता है नागौर में, यानी कि किसान और जाट की पॉलिटिक्स। अब देखिए, जो हम बात कर रहे थे कि कुछ सीटें बहुत खास हैं, यहाँ पर बीजेपी खुद मैदान में नहीं थी नागौर में, आरएलपी के हनुमान बेनीवाल को उतारा और उनको लेकर के बहुत कयास है। लेकिन एक अदर पार्टी की हम बात करते हैं, वागड़ की बात करते हैं, बीटीपी की बात करते हैं, कि बीटीपी का अगर खाता खुलेगा तो आगे क्या कुछ स्ट्रेटेजी रहने वाली है बीजेपी की या कांग्रेस की। तो कुछ सियासी विश्लेषक ऐसा दावा कर रहे हैं कि हाँ, खाता खुलेगा बीजेपी का। बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से बीजेपी का कैंडिडेट चुनाव मैदान में है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी का एक चमत्कारिक प्रदर्शन था, दो विधायक बनाई थी, यहाँ पर जनता ने वागड़ में दो विधायकों को चुना था, और अब फिर वनवासी अंचल में चमत्कार की उम्मीद की जा रही है और ट्रायंगल यहाँ पर मुकाबला कहा जा रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है कि बीटीपी का कैंडिडेट जीत जाता है, तो क्या स्ट्रेटेजी, जिसकी बात हमने कही थी, चलिए वो स्ट्रेटेजी आपको बताते हैं। खासतौर पर बीजेपी की स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। बीजेपी में अंदरूनी तौर पर एक मंथन किया जा रहा है कि अगर बांसवाड़ा में बीटीपी जीतती है तो ऐसे में बीटीपी से संपर्क साधा जाए, इसको लेकर स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। और जानकार सूत्रों की माने तो इसको लेकर बातचीत हुई है, मंथन लगातार जारी है ताकि अपने कुनबे को मजबूती दी जा सके। और ये लोकसभा चुनाव केवल लोकसभा चुनाव तक सीमित नहीं है, राज्य की सत्ता के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कई आयाम में। अब बीएसपी की भी बात करते हैं, जब अदर की बात करते हैं तो आरएलपी की बात भी हमने कर ली, बीजेपी की बात भी कर ली, बीएसपी की बात भी करना बहुत जरूरी, क्योंकि पूर्वी राजस्थान में बीएसपी को बहुत उम्मीदें हैं। मायावती ने यहां पर जनसभाएं भी की थी, तीन सीटों पर बीएसपी को आस है, उनको उम्मीद है कि तीन सीटें तो उनके खाते में आ जाएंगी, जिसमें पूर्वी राजस्थान की भरतपुर, करौली, धौलपुर, अलवर सीट है। और बीएसपी ये मानकर चल रही है कि यहां पर वो मुकाबले में है, तीनों ही जगह जातीय समीकरणों को अगर हम देखें तो इन्हीं समीकरणों की वजह से बीएसपी काफी ज्यादा उम्मीद से भरी हुई है। और यही वजह है कि अलवर और भरतपुर में मायावती ने प्रचार भी किया था, जनसभा को संबोधित भी किया था, और जिस तरह से वहां पर भीड़ थी उससे मायावती काफी उत्साहित भी थी। ये और बात है कि अभी तक यहां पर बीएसपी का खाता नहीं खुला, लेकिन इस बार उम्मीद लगा के बैठे हैं। लेकिन अगर एग्जिट पोल को देखें, फिर से कंपेयर करें, शुरुआत जहां से की थी तो अदर्स के खाते में कुछ जाता दिखाई नहीं देता है। अब ऐसे में ये अदर्स कैसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं, ये एक बड़ी बात है। लेकिन अब जब एग्जिट पोल आने शुरू हुए हैं तो इन एग्जिट पोल पर सवाल भी उठ रहा है, ना केवल एग्जिट पोल पर सवाल उठ रहे हैं बल्कि एक बार फिर से चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं, एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं। और सीएम ने ईवीएम को लेकर जो कुछ कहा उस पर अब बीजेपी के दिग्गज पलटवार भी कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर पलटवार किया है और कटारिया ने कहा कि उनकी पार्टी जीतती है तो ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती, लेकिन हमारी पार्टी जीतती दिखाई देती है तो ईवीएम में गड़बड़ी बता देते हैं। कटारिया ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने पर कहा कि उन्होंने पुराना राग फिर से आलाप दिया है। और इस बीच कटारिया ने प्रदेश में सभी 25 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा भी किया। इस मौके पर गुलाब चंद कटारिया से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान के बाद नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जो हैं वो अब क्या बयान देते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने आज मीडिया से बातचीत की,
उनकी जो बातचीत है वो आपने सुनी, क्या लगता है आपको ईवीएम को लेकर? देखो, ईवीएम तो हमने शुरू नहीं की, उनको अपना पुराना इतिहास देखना चाहिए। इसके सिस्टम को चालू करने में आपकी पार्टी ही अग्रणी थी और वही लाई थी। जब आपके पक्ष में रिजल्ट आता है तब आपको मशीन ख़राब नहीं लगती। अगर खराबी करनी होती तो पिछली बार राज हमारा था, यहाँ हम खराब करते तो आप यहाँ सरकार में कैसे आते? केवल ये इसलिए कि लोगों को डाउट ना लगे, इसलिए सर्टेन परसेंटेज जो है उस वोटिंग को चेकिंग करने का सिस्टम बनाया है, ताकि कॉन्फिडेंस आपका यह रहे कि वास्तव में सही है। इसको केवल वेरीफाई करने के लिए, इसलिए नहीं कि उसमें वोट में कोई टेम्परिंग हो गया। अगर इसको सुप्रीम कोर्ट तक भी आप जा चुके, उन्होंने भी इसके बारे में अपना निर्णय दे चुका। अब हार को देख करके आप उस मशीन को ख़राब बताना, जिसको शुरू ही आपने किया है, जो काम आपने शुरू किया उसको ही आप खराब बता रहे हो, तो मैं सोचता हूँ जो देश भर में जो भी परिणाम आए, पिछली तीन सरकारें आपकी आ गई वहाँ आई जहाँ हमारी सरकारें थी। अगर हमको ख़राब करने का ही शौक था तो वहीं ख़राब कर देते थे, तो आपको बहुमत कहाँ से? तो ये केवल जेब मिटाने का धंधा है। मैं ये सोचता हूँ कि राजस्थान में जिस प्रकार का एग्जिट पोल आ रहा, और जो मेरा कुछ इतने सालों का राजनीति में 21-22 मान रहा था, लेकिन सर्वे के आधार पर और एग्जिट पोल के आधार पर 23-24 आ रहा है। और आज मैंने अपनी पार्टी के सारे लोगों की जो फीडबैक की मीटिंग हमारे यहाँ अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में हुई, उससे लगता है कि राजस्थान में 25 में से 25 आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा अब। और जब ये 25 में से 25 आएगी तो जो मुख्यमंत्री अपने लड़के को नहीं बचा सके उसकी पार्टी उसको मुख्यमंत्री रखेगी, इसमें मुझे तो डाउट लगता है। क्या आपको लगता है जो आप बयान दे रहे हैं, पिछले दिनों आप कह रहे थे 23 तारीख के बाद देखना क्या होता है, राजस्थान में बदलाव आएगा, इस तरीके की आपने बात कही, आज फिर आप बोले हैं, लगातार आप बोल रहे हैं पिछले दिनों से, तो किस तरीके का बदलाव आएगा, क्या बदलाव सोचा जा सकता है जो आप लगातार अपने उसी अंदाज में बोलते हैं जो हमेशा बोलते आए? देखो, मैं निश्चित रूप से जिस समय परिणाम के बारे में इतनी न तो कोई घोषणा हुई न किसी का कोई एग्जिट पोल आया, लेकिन जो कुछ मैंने राजस्थान का फिगर देखा उसके आधार पर रखा कि जो मुख्यमंत्री 25 में से 25 सीट का दावा करता है और जो अपने बच्चे को नहीं बचा सकता और 25 में से 25 सीट हार सकता है, वो किसी की भी पार्टी, चाहे मेरी पार्टी हो चाहे उनकी पार्टी हो, उसको वो एक तरह से मुख्यमंत्री के रूप में वो रखने का उनका एक तरह से बनता ही नहीं है। और इसलिए 23 तारीख को मैंने कहा अब ये 5 दिन 4 दिन ज़्यादा लगे, पर ये मुख्यमंत्री तो रिजल्ट आने के कुछ दिन के बाद जाएगा, कौन बनेगा ये इनकी पार्टी को। एक चर्चा और चल रही है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा जो है वो परिवर्तन करवा देगी। मध्य प्रदेश का तो आपके सामने ही आज जो चल रहा है राज्यपाल को पत्र लिखे जाने को लेकर, क्या राजस्थान में भी आप ऐसा करेंगे? देखो, ऐसा कुछ नहीं है, राजस्थान की स्थिति अलग है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है ना 3.5% वोट अधिक मिले हैं, सीटों की गिनती में 4 सीटें कम मिली है। मैं सोचता हूँ वहाँ तो बिल्कुल अनकरीब है, हमारे यहाँ भी कांग्रेस को जो बहुमत है वो बिल्कुल 100 पर है, कोई बहुत ज़्यादा बहुमत नहीं है, बाकी जो लोगों को लेकर के उन्होंने बनाया, लेकिन हमारे गैप अधिक है। इस कारण से हम इस बारे में तो नहीं कह सकते कि हम इसको पलट देंगे या कुछ करेंगे, ये तो जनप्रतिनिधि तय करेगा। लेकिन मैं इतना तो ज़रूर कह सकता हूँ कि ये मुख्यमंत्री तो इस रिजल्ट के परिणाम के बाद निश्चित रूप से जाएगा। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया साहब का जो बयान है वही अंदाज में जो पिछले दिनों उन्होंने बोला वो बोला है, और उसके अलावा उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर अपनी बात कही है और ख़ासतौर पर ईवीएम को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं, जो भाजपा के नेता लगातार बोलते रहे हैं। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 23 मई को चुनाव परिणामों को लेकर प्रदेश बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दिया, और इसी को लेकर आज प्रदेश दफ्तर में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई। प्रदेश बीजेपी पदाधिकारियों ने प्रदेश भर की टीम से मिले फीडबैक के आधार पर 25 की 25 सीटों को लेकर फिर से मंथन किया, और बैठक में पार्टी के आगामी कार्यक्रम, निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव समेत अन्य राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव के परिणाम भले ही 23 मई को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल्स को देखकर बीजेपी नेताओं के चेहरे खिले नजर आ रहे हैं। बीजेपी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि 23 मई के चुनाव परिणाम उनके लिए 2014 की तरह ही होंगे। बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व का मानना है कि पूरे देश में जो एग्जिट पोल्स सामने आए हैं, उन्हीं एग्जिट पोल्स में राजस्थान में भी बीजेपी को बड़ी जीत मिल रही है। प्रदेश भर में अपनी टीम से भी एक सर्वे करवाया गया है, जिसमें बीजेपी एक बड़ी जीत दर्ज कर रही है। इसी के मद्देनजर प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के पदाधिकारी एक साथ बैठे,
इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। मैं तो पहले भी कह रही थी कि 25 की 25 राजस्थान में आएंगी, 300 से ऊपर हम लोग पूरे हमारे जो ऑल इंडिया रिजल्ट है 300 से ऊपर आएगा, तो वो तो एक्सपेक्टेड ही था। जहां भी पूरे कैंपेन के समय भी आपने देखा होगा कि मोदी जी की लहर सुनामी पूरे देश में थी, और अब एग्जिट पोल्स भी यही कह रहे हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी लगभग 25 सीटें निश्चित तौर पर जीतने की स्थिति में है। आपके जितने एग्जिट पोल हुए, मैं तो कहता हूँ वो एग्जिट नहीं एग्जैक्ट पोल हैं कि जो लोगों ने अलग अलग माध्यमों से प्रकट किए हैं, तो निश्चित रूप से, और हिंदुस्तान में भी ये साफ तौर पर जाहिर है। कोई 19-20 का फर्क हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और NDA इनकी दमदार वापसी होगी, बहुमत के साथ सरकार बनेगी। इस दौरान मदन लाल सैनी ने कहा कि 23 मई को लोकसभा चुनाव में मतगणना से पूर्व आए एग्जिट पोल्स में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, जिससे भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है। बैठक में भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं, शक्ति केंद्र प्रभारियों, मंडल इकाई, जिला इकाई, लोकसभा संयोजक, सह संयोजक, लोकसभा प्रभारी, सह प्रभारी, प्रदेश पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद दिया गया। भाजपा पदाधिकारियों को मदनलाल सैनी ने निर्देश दिए कि 23 मई को लोकसभा चुनावों की मतगणना का कार्यक्रम है, मतगणना ठीक प्रकार से हो इसके लिए सभी एजेंट्स को ट्रेनिंग दे दी जाए। इसके अलावा भाजपा ने आगामी दिनों में बिजली, पानी और अपराध जैसे मुद्दों पर भी व्यूह रचना बनाकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। देश के लिए कैंडिडेटर जो है वो उससे आगे चला गया, और जनता ही एक तरह से अपने आप में उसके सपोर्ट में खड़ी हो गई, तो इसके कारण से जो एटमॉस्फेयर बना है वो इस बात को तय कर दिया कि राजस्थान भी 25 में से 25 सीटें जीत करके एक रिकॉर्ड जो बनाया था 14 में वो यथावत रख पाएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपने अंदरूनी सर्वे में 25 की 25 सीटों को लेकर क्लियर जीता हुआ नहीं मान रही, लेकिन एग्जिट पोल के बाद भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदें बढ़ी हैं कि उन्हें 25 सीटें ही मिल जाएंगी, यानी कि 24 सीटें बीजेपी की और एक सीटें नागौर में गठबंधन की। लेकिन मीडिया के सामने भाजपा तमाम सीटें आने का दावा कर रही है। बहरहाल परिणाम जो भी हो, लेकिन भाजपा ने परिणाम से पहले की तैयारियां पूरी कर ली हैं, और जश्न को लेकर भी भाजपा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। तो वही प्रदेश में 23 मई को होने वाली मतगणना की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। यहां 25 मतगणना केंद्रों पर 4046 राउंड में मतगणना की जाएगी, तो 68 टेबल पर एक मतपत्र डाक मतपत्र और 106 टेबल्स पर ETPBS से मिले वोट्स की काउंटिंग होगी। ये खास रिपोर्ट है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब निर्वाचन विभाग मतगणना के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके लिए सभी रिटर्निंग अधिकारियों, ADM, SDM और IT एक्सपर्ट को ट्रेनिंग दी गई है। वहीं अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी रेखा गुप्ता ने सभी अधिकारियों को समय से तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए। देखिए 23 तारीख को मतगणना की तैयारी पूरी हमने कर ली है। 25 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 25 स्थानों पर मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, और प्रत्येक मतगणना केंद्र में अलग अलग तरह से हॉल्स की उपलब्धता के आधार पर काउंटिंग हॉल सेटअप किए गए हैं, और उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था भी हमने की है। प्रदेश में 25 लोकसभा सीटों के लिए होने वाली मतगणना की बात करें तो श्री गंगानगर में खालसा कॉलेज में 118 टेबल्स पर 154 राउंड में मतगणना की जाएगी। बीकानेर में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में 120 टेबल्स पर 131 राउंड में काउंटिंग होगी। चूरू में लोहिया कॉलेज में 118 टेबल्स पर 146 राउंड में मतगणना की जाएगी। झुंझुनू में सेठ मोतीलाल PG कॉलेज में 143 टेबल्स पर 188 राउंड में मतगणना होगी। सीकर में कल्याण राजकीय महिला कॉलेज में 104 टेबल्स पर 156 राउंड में मतगणना होगी। जयपुर ग्रामीण में राजस्थान कॉलेज में 122 टेबल्स पर 133 राउंड में मतगणना होगी, तो जयपुर शहर में कॉमर्स कॉलेज में 115 टेबल्स पर 129 राउंड में मतगणना होगी। अलवर में बाबा शोभाराम कला कॉलेज में 110 टेबल्स पर 145 राउंड में मतगणना होगी, तो भरतपुर में राजकीय PG कॉलेज में 88 टेबल्स पर 201 राउंड में मतगणना होगी।
करौली धौलपुर में राजकीय पीजी कॉलेज में 104 टेबल्स पर 153 राउंड में मतगणना होगी, तो दौसा में पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय पीजी कॉलेज में 102 टेबल्स पर 154 राउंड में मतगणना होगी। टोंक सवाई माधोपुर में राजकीय पीजी कॉलेज टोंक में 98 टेबल्स पर 144 राउंड में मतगणना होगी। अजमेर में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में 98 टेबल्स पर 176 राउंड में मतगणना होगी। नागौर में बीआर मिर्धा गवर्नमेंट कॉलेज में 112 टेबल्स पर 141 राउंड में मतगणना होगी। पाली में गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज में 120 टेबल्स पर 161 राउंड में मतगणना होगी, तो जोधपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज में 128 टेबल्स पर 145 राउंड में मतगणना की जाएगी। बाड़मेर में राजकीय पीजी कॉलेज में 154 टेबल्स पर 159 राउंड में मतगणना होगी, तो जालौर में राजकीय पीजी कॉलेज में 100 टेबल्स पर 176 राउंड में मतगणना होगी। कला कॉलेज उदयपुर में 81 टेबल्स पर 228 राउंड में मतगणना की जाएगी, तो बांसवाड़ा में श्री गोविंद गुरु कॉलेज में 88 टेबल्स पर 196 राउंड में मतगणना पूरी होगी। चित्तौड़गढ़ में शहीद मेजर नटवर सिंह शेखावत कॉलेज में 120 टेबल्स पर 154 राउंड में काउंटिंग होगी, तो राजसमंद में राजकीय स्कूल कांकरौली में 104 टेबल्स पर 191 राउंड में मतगणना पूरी होगी। भीलवाड़ा में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में 120 टेबल्स पर 149 राउंड में मतगणना पूरी होगी, तो कोटा में गवर्नमेंट जेडीबी गर्ल्स कॉलेज में 142 टेबल्स पर 146 राउंड में मतगणना होगी। वहीं झालावाड़ में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में 104 टेबल्स पर 169 राउंड में मतगणना पूरी होगी। काउंटिंग के दिन 8 बजे से पहले मिलने वाले डाक मतपत्रों को भी मतगणना में शामिल किया जाएगा। मतगणना के लिए सबसे ज्यादा टेबल्स बाड़मेर और कोटा में लगाई गई हैं। सर्विस वोटर्स को हमें ईटीपीवीएस के माध्यम से बैलेट पेपर भिजवाए थे, वो लगातार हमें प्राप्त हो रहे हैं। उनकी जैसे कि आयोग के निर्देश हैं, उनके क्यूआर कोड का स्कैनिंग करके उनकी गणना करवाई जाएगी, और इसी तरह बाकी जो चुनाव ड्यूटी पर कार्मिक गए थे उनके भी पोस्टल बैलेट हमें प्राप्त हो रहे हैं। इधर लोकसभा चुनाव में पहली बार हर विधानसभा क्षेत्र से 5-5 ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान भी किया जाएगा। इसकी गणना के लिए अलग एनक्लोजर्स की व्यवस्था की गई है। वहीं मतगणना स्थल पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रहेंगे। ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए न्यूज़ एट डिनर।